हैंडपंप आपका कल्चर दर्शाता है, वो उसे ऐतिहासिक बनाता है, वो मशीन नहीं दे सकता। और जब भी हम हैंडपंप करते हैं तो जिस क्लाइंट के ऊपर हम कर रहे हैं उसे फील होता है कि वो कोई एक कल्चर अपना रहा है, वो सिर्फ एक टैटू नहीं रह जाता, वो पूरा का पूरा एक कल्चर रहता है। मेरा नाम अमित अर्जल, मैं अब हैंडपंप सिखाता हूँ, वो भी खासकर बैगा जाता हूँ। मुझे पेंटिंग का शौक बचपन से ही था, 10th के बाद मैंने इसे प्रोफेशनली लेना शुरू किया, मैंने सीखना शुरू किया खुद से ही बेसिकली करते करते। एंड देन मैंने फिर एग्जीबिशंस किए, 2015 से मैंने टैटू ज्वाइन किया, टैटू सीखना शुरू किया। जब मैं टैटू में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था नॉर्मल टैटूज करने में, मेरा इंटरेस्ट था कि मैं ट्राइबल में ही फोकस करूँ। इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं जो गोदना करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये मैं अपना एक सिग्नेचर स्टाइल ही करूँगा, लेकिन एटलीस्ट ऐसा कुछ ट्राइबल जिसका मीनिंग हो, जो हमारे संस्कृति से जुड़ा। मैं जब इसके बारे में सोचने लगा था कि अब मुझे टैटू में अपना एक स्टाइल चूज करना है, तब मैंने देखा कि बैगा का मुझे कहीं बुक्स में पढ़ने को मिला था। दो तीन दिन इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरी एक फ्रेंड बरखा, उसने बताया कि मेरे पास नंबर है शांति बाई का, आप उनसे मिलो, आप वहाँ से स्टार्ट करो, सीखो। तो फिर मैंने शांति बाई जी को फ़ोन करके 3 साल पहले इनसे आया मिलने और मैंने सीखा। मुझे ये पता चला कि ये एक बहुत ही पुराना कल्चर है, इंडियन कल्चर है, ये ऐसा एक कल्चर है जो एक इंडिया के इतिहास को दर्शाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कम जानकारियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास लोग हैं जो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास मंगला बाई है जो उसके बारे में सारा बताती है। कुछ आर्ट तो ऐसे हैं जिनके आर्टिस्ट का ही पता नहीं है, कम से कम बैगा में हमारे पास काफ़ी सारी जानकारियां तो है। मैं तो बचपन से ही मेरे मम्मी पापा से सीखी है गुदना। 7 साल की उम्र में मैं गुदना करने लग गई थी, तो एक गांव से दूसरे गांव हम लोग जब जाते थे तो गुदना गुदाने वाले बादी और बदनी आ गए हमारे गाँव में, ऐसे उनको जानकारी हो जाती थी। बैगा लोग बहुत सारा गुदना करवाते थे, उसमें औरत ही करवाते हैं बैगा, महिला पूरे शरीर में गदवाते हैं गुदना। ये सबसे पहला टैटू है माथे पे जो रिप्रेजेंट करता है कि नाउ वो एक महिला बनते जा रहे हैं। तो जो पहला सिंबल है वो चूल्हा को रिप्रेजेंट करता है, और जो डॉट्स हैं वो अनाज फूड इन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एक पैटर्न है वो एक महिला को कम्प्लीट करता है, ऐसा उनका मानना है। एक तरह से टैटू ही उनकी पहचान है, अगर वो टैटू गोदना फोरहेड पे नहीं कराते अपने माथे में तो वो पहचाने ही नहीं जाएंगे कि वो उस जाति से बिलोंग करते हैं, उस बैगा जाति के हैं। सो टैटू इतना महत्व है उनके लाइफ में, उनके लाइफ सर्कल में। जैसे जैसे वो अपने दिनचर्या यूज़ करते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने टैटूज एक्सटेंड करते जाते हैं। श्रृंगार समझते थे, आभूषण समझते थे, मरने के बाद कुछ भी नहीं जाती है, अगर जाती है तो गुदना ही जाती है शरीर के साथ में। ये हमारा भगवान घर के मांगा हुआ अमर गहना है, हम इसको गुदवाएंगे, कितनों भी दर्द सह के गुदवाएंगे तो ये हमारे शरीर के साथ ही जाएगी। अपना आभूषण और श्रृंगार समझ के गुदवाते थे वो लोग। अगर हम बैगा की बात करें, बहुत सारी जानकारी ऐसी होती जो आप लिखते नहीं, लेकिन जब आप पर्सनली आते हैं गाँव में और शांति बाई के साथ बैठते हैं या मंगला जी के साथ बैठते हैं, तो ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं जो बुक्स पे नहीं है, और वो इंस्पायर करती हैं आपको। और आप जब गोदना करते हो तो आप अपने क्लाइंट्स को भी वो स्टोरीज बताते हो, उन्हें लगता है कि हाँ वो एक ऐसे ट्राइब से कनेक्ट कर रहे हैं जिनकी एक स्ट्रॉन्ग रूट है। बैगा मैंने सबसे पहले सीखा था, अभी तक मैंने टैटू में वर्ली सीखा है और गोंड आर्ट, और फिर सरगुजा भी मैंने टैटू में सीखा है। मैं मशीन से भी टैटू करता हूँ। जब भी बात बैगा की आती है या इंडियन ट्राइब के वर्ली या वो, तो मेरा मन करता है कि मैं सिर्फ हैंडपोक करूँ, मेरा मन नहीं करता कि मैं मशीन से करूँ। अगेन मशीन बहुत शार्प एंड क्लियर एजेस देता है टैटू में, लेकिन हैंडपोक का एक अलग ही बात है। तो मैंने एक वुडन टूल बनाया जिसमें एडजस्टेबल फंक्शन भी है, जिससे आप नीडल अपने हिसाब से अपने अनुसार से छोटा बड़ा कर सकते हैं उसमें। बस आपको थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे अच्छी तरह से टाई करें, उसे कवर करें। मैं बैगा
में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ अपनी तरफ से। मैं चाह रहा हूँ कि जो सिंबल्स ऑलरेडी हैं, जिसकी जो मीनिंग है, मैं उसको ही एक्सप्लेन करके वही करूँ। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो उसमें अपनी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं और उसे एलाबरेट करके बनाते हैं, बट मेरा फोकस इसमें है कि बैगा बैगा ही रहे और वो उतने ही सम्मानपूर्वक रिप्रेजेंट हो जितना वो हमेशा से होता आया है। मैं यही चाहती हूँ कि अपना जो पारंपरिक है, अपना जो काम है, वो दुनिया में बनी रहे। और मैं तो चाहती हूँ कि जो आने वाले पीढ़ी है वो भी ये काम करे और सीखे, और मैं चाहती हूँ कि ये काम लुप्त ना हो और आगे बढ़ती रहे। इंडियन होने के हिसाब से मुझे लगा कि मैं उसके बारे में सीखूं, अगर मैं सीखूंगा तो मैं लोगों को बता पाऊंगा। इस तरह से ना हमारा डाइंग आर्ट है, जो ये ट्राइबल्स आर्ट है जो मरने के कगार पे हैं, वो वापस से जिंदा होंगे। जितने लोग जानेंगे उतना अच्छा है।